और यहाँ पर भाई एक गोली तो शूट करके आऊंगा, एक गोली तो दोनों मार के आऊंगा, दोनों मार के आऊंगा। और भाई कभी भी है उसमें आ सकता भाई। ओ भाई यहाँ पर भाई मैं जल्दी से लगा देता हूँ इस हैंडल को और जल्दी से कर देते हैं इस्केप। तो फाइनली भाई हमारा हो चुका है इम्पॉसिबल मोड में इस्केप। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारा दोबारा से गाइस ग्रैनी फोर द रेबिलियन के गाइस न्यू वीडियो में। तो गाइस आपको याद हो गाइस हमने पिछली वीडियो में एक्सट्रीम मोड में गाइस किया था कार एस्केप। तो गाइस इस वीडियो में हम करने वाले हैं इम्पॉसिबल मोड में गाइस पेसमेंट या फिर गाइस कार एस्केप, जो भी हो जाए भाई, जो जल्दी हो जाए गाइस वो हम एस्केप करने वाले हैं। तो गाइस गेम में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि भाई ये इम्पॉसिबल मोड है भाई, एक्सट्रीम मोड से भी बहुत ज्यादा हार्ड। मतलब गाइस ग्रैनी ग्रैंडपा स्लेंडरीना और गाइस नॉसफेराटू बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे गाइस एक्सट्रीम मोड से भी, और गाइस उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज होगी और एक्स्ट्रा ट्रैप्स भी होंगे। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट करते हैं ग्रैनी फोर द रेबिलियन के भाई इम्पॉसिबल मोड को। भाई तुम्हारा भाई आज खेलने वाला है इम्पॉसिबल मोड जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है भाई। एक्सट्रीम मोड इतना खतरनाक था तो बस सोचो भाई इम्पॉसिबल मोड बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा भाई एक्सट्रीम मोड से भी। यहाँ पर भाई मैं आ चुका हूँ घर में, यहाँ पर भाई उन चारों ने मेरे को कैद करके रखा है। यहाँ पर ओल्ड की मैं ले लेता हूँ और यहाँ से भाई जल्दी से चलेंगे और यहाँ पर आके मैं बैठ जाऊँगा। उसके बाद भाई मैं शोर करूँगा, मैं डायरेक्ट बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को पता है तीनों साइड पर भाई तीनों होंगे। देखो ग्रैनी साइड से निकल रही है, नॉसफेराटू आएगा अपने ऊपर के साइड से और ग्रैंडपा तो भाई बाहर है, उसका तो भाई फिक्स है भाई, उसके बीच में कोई नहीं बोलेगा। आ गया भाई अपना नॉसफेराटू भी आ चुका है भाई, मुँह दिखाई कर दिया भाई नॉसफेराटू ने भी। और ये जाएंगे, उसके बाद मैं शोर करूंगा, उसके बाद मेरे को भाई लेफ्ट साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है, इस चाबी को भी ले जाना है। तो भाई मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा, सबसे पहले तो इनको देखते हैं भाई, थोड़ा सा डिस्टेंस भी मैनेज करना पड़ेगा और ग्रैंडपा ना आ जाए भाई अंदर। ग्रैंडपा आ गया भाई काम ख़राब कर देता भाई, सब बहरा बहरा सुनता है नहीं, और भाई काम बिगाड़ने का टाइम एक नंबर, मतलब एक नंबर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आता है। और यहाँ पर ग्रैनी किस साइड गई भाई, ये बाथरूम के साइड गई कि आगे की साइड गई भाई, ये दिक्कत है भाई। क्योंकि भाई अगर मैंने शोर किया तो भाई सब ये गई थी बाथरूम के साइड, मतलब मैं शोर नहीं कर सकता क्योंकि झट से आएगी और आके भाई सब बैंड बजा देगी। और मैं उस साइड इसी शर्त पे जा सकता हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ और आवाज़ करूँ, इनका थोड़ा सा डिस्टेंस ही मैनेज हो, उसके बाद भाई मैं जा सकता हूँ, नहीं तो भाई आके मेरा बैंड बजा देंगे। और फिर ग्रैनी बाहर जा रही है, मतलब बाहर का गेट खोल देगी और ग्रैंडपा मेरे को दूर से ही देख लेगा, और ग्रैंडपा भी आ चुका है और ग्रैंडपा जा रहा है भाई लेफ्ट साइड पे। और मैं बता दूँ भाई बेसमेंट में एक्स्ट्रा भाई बैरियर लगे हुए हैं, मतलब जिसे भाई हैमर से मैं तोड़ूंगा, और अगर ये जाके भाई साहब नीचे घुस गए तो भाई अपने शरीर से ही तोड़ सकते हैं। हाँ भाई ये अपने शरीर से तोड़ सकते हैं बट मैं नहीं तोड़ सकता भाई, मेरा शरीर अंबुजा सीमेंट का नहीं बना पड़ा भाई, नहीं बना पड़ा। यहाँ पर जा रहा है भाई नॉसफेराटू उस साइड, और भाई कोई नीचे चले जाओ भाई, ग्रैंडपा नॉसफेराटू पता नहीं ग्रैंडपा किस साइड गया बट नॉसफेराटू तो गया है भाई नीचे। भाई कोई जाके तोड़ दो भाई, मेरा काम हो जाएगा, नीचे से भाई गन मिलेगी। यहाँ से भाई देखते मैं चाबी तो ले जा रहा हूँ, क्या पता भाई वहाँ से कोई डायमंड वायमंड मिल जाए ना, तो भाई सब काम हो जाएगा। गेट खुलने का आवाज आया, मेरे ख्याल से कोई नीचे जा रहा है भाई, ये ग्रैंडपा के तो बस की नहीं थी भाई। ये देखो भाई ये क्या कर रहा है भाई, तू मतलब करना क्या चाहता है, तेरे को एक काम दिया था मैंने, पैसे दे रहा था ना मैं, फिर भी तू नहीं आया भाई, बता नीचे जाके तोड़ा फोड़ा नहीं किया तूने, तोड़ा ही फोड़ा ही नहीं किया भाई सब नीचे। नॉसफेराटू मेरे ख्याल से गया है बट अभी तक आवाज़ नहीं है भाई, जैसे वो टूटेगा भाई आवाज़ आएगा। आया आया भाई नॉसफेराटू भाई अपना, यार यार जिगरी यार यार नॉसफेराटू, एक काम करते भाई अब शोर करते हैं नॉसफेराटू को, बोलते भाई तेरा काम तो हो चुका, आ जा बेटे ऊपर, आ जा ऊपर, आ जा जल्दी। ओ भाई बहुत ही बढ़िया भाई, आवाज़ आ चुका है भाई, नॉसफेराटू ने काम कर दिया भाई, नॉसफेराटू कोई नहीं डांटेगा, नॉसफेराटू को भाई कोई नहीं डांटेगा, नॉसफेराटू ने भाई पूरा अपना काम ईमानदारी से किया भाई, ईमानदारी से। यहाँ पर बुला तो रहा हूँ मैं नॉसफेराटू को बट आ नहीं रहा, ना नॉसफेराटू आ रहा है ना ग्रैनी आ चुकी होगी, बट ग्रैनी भी नहीं दिख रही, नॉसफेराटू भी नहीं दिख रहा। चल क्या रहा भाई, आओ भे आओ भे इधर इधर आओ भाई जल्दी आओ भाई, नॉसफेराटू कहीं फंस फंस तो नहीं गया नीचे, यार ये दिक्कत है भाई, ये दिक्कत है। ग्रैनी आ चुकी है भाई, नॉसफेराटू भी, भाई कितने साल लगाओगे भाई, दो जन्म हो गए भाई वेट करते करते तुम्हारा, जाने दे जाने दे इन दोनों को, जाने दो भाई जाने दो। अब भाई ये नीचे जाके स्टक ना हो जाए, कभी कभी भाई नॉसफेराटू नीचे जाके स्टक हो जाता है,
जो कि भाई मेरे को बिल्कुल ही नहीं चाहिए भाई। ये साइड नीचे ही जा रहा भाई, ये नीचे ही जा रहा, मेरे को मतलब यहाँ से ऊपर भागना पड़ेगा। उसके बाद भाई मैं अपना काम कर सकता हूँ यहाँ से। भाई ग्रैंडपा भी मेरे को बाहर से देख सकता है, उसे गए हुए भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। इनका थोड़ा सा डिस्टेंस भी हम मैनेज करेंगे। उसके बाद भाई मेरे को जाना तो लेफ्ट साइड में ही है, और जाने के लिए सबसे पहले यहाँ से निकलना ज़रूरी है, और यहाँ से मैं निकल चुका हूँ। यहाँ पर भाई कुछ आवाज़ करने के लिए हो भाई, भाई है बुक है भाई यहाँ से आवाज़ करने के लिए। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ से ऐसे जाएंगे बस्ते बचाते स्ट्रैप से और जाके। अरे भाई नहीं यार, इतनी देर नहीं थी, देर नहीं करनी थी। ओ भाई भाई वह आ गया, टाइम पे आ गया बिल्कुल। और यहाँ पर गाइस ग्रैनी और नॉसफ्रेटो दोनों गए, और यहाँ पर पता नहीं ग्रैंडपा किस साइड है ब्रो, ग्रैंडपा का कोई नहीं पता। प्लीज़ ग्रैंडपा मत देखो, नहीं दे मत देखो, मत देखो मत देखो। ओ भाई बच गया, ग्रैंडपा ने मेरे को नहीं देखा, जो कि भाई एक अच्छी बात है। और यहाँ पर भाई मैंने शोर कर दिया है, जिससे भाई वो दोनों आ रहे होंगे। ओ भाई 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 पूरा काम अच्छे से हो चुका है, देखते भाई क्या पता डायमंड साइमंड मिल जाए। वो डायमंड मिल चुका है, और यहाँ पर अब मेरे को देखना भाई ग्रैंडपा अंदर आएगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल सेफ हूँ, यहाँ पर मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर अब मैं जाऊँगा डायमंड लेके, और नीचे से भाई मेरे को गन भी मिल जाएगा, क्योंकि भाई ट्रैप तो तुड़वा दिया है भाई, तुम्हारे भाई ने ईजी वे में भाई उनसे ट्रैप तुड़वा लिया है। और यहाँ पर भाई ग्रैंडपा अंदर आ रहा है, और ये देखते भाई किस साइड आ रहा है। ग्रैंडपा का भाई देखना पड़ेगा मेरे को, इस पे भाई सबसे ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा नज़र इसी पे रखनी पड़ती है भाई। ये जा रहा है भाई सामने की तरफ, और ये सामने से भाई जाके नीचे भी आ सकता है। जा तो भाई डायमंड लगा के ऊपर आ जाते, उसके बाद भाई वेट करेंगे ग्रैंडपा के, देखेंगे कहाँ गया है ग्रैंडपा। और नॉसफ्रेटो तो नीचे जाके स्टक नहीं हो गया भाई, ऐसा होगा ना तो कसम से बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा भाई। काम तो किया है, बट ये ऐसा काम ना कर दे भाई जिससे दिमाग भी सब ख़राब हो जाए, और जो मैंने सोचा था भाई वही हुआ। यहाँ पर नॉसफ्रेटो जाके भाई स्टक हो चुका है, और यहाँ से भाई मेरे को ऊपर जाके इसको बुलाना पड़ेगा। उसके बाद भाई मैं नीचे जा सकता हूँ, सबसे पहले तो भाई यहाँ से जगह नहीं मिल रही। अबे भाई जगह कैसे नहीं मिल रही यहाँ से, भाई मैं ऐसे करके और ऐसे करके ऊपर निकल जाऊँगा। और भाई ये नॉसफ्रेटो का स्टक भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये भाई सिलेंडरीना ने तो यहाँ डरा ही दिया मेरे को भाई। निकलना तो यहाँ से भाई, बुड्ढा देख लेगा पीछे से कहीं। यहाँ पर भाई सबसे पहले मैं डायमंड को यहीं फेंक देता हूँ, बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद भाई मैं यहाँ से कुछ देखता हूँ कि जिससे शोर वोर हो जाए। और भाई साहब ग्रैंडपा बाहर जा रहा है, तो इसे जाने देते भाई, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, देख लेगा भाई बाहर से तो अंदर आ जाएगा। और इन दोनों को बुलाते, देखते भाई यहाँ से कुछ मिलेगा ड्रॉअर से मेरे को। वेट वेट वेट, वाइंड अप की मिल चुका है भाई, वाइंड अप की मिल चुका है। और एक काम कर सकते हैं भाई, यहाँ पर मेरे को पहले सबको पहले इन दोनों को एक साथ बुलाना पड़ेगा, उसके बाद भाई मैं शोर करूँगा जिससे भाई वो दोनों एक साथ यहाँ आएंगे, मैं पीछे के रास्ते से निकल जाऊँगा भाई बेसमेंट में। ग्रैनी तो गई बाहर, और नॉसफ्रेटो आ चुका है, और नॉसफ्रेटो आ चुका है, उसने मेरे को देख भी लिया है। बट बेटे तू मेरे को कुछ कर नहीं पाएगा भाई, ग्रैनी देख आराम से आएगी और आराम से जाएगी, इसका कोई दिक्कत नहीं भाई। नॉसफ्रेटो तेरा दिक्कत है भाई, तेरे में स्टक में फंस जाता भाई, फिर दिमाग खराब करता मेरा। यहाँ पर सबसे पहले मेरे को भाई तू इधर आना, इधर आ भाई नॉसफ्रेटो तू इधर आओ भाई। ग्रैंडपा इतनी जल्दी तू क्यों आ रहा भाई, ग्रैंडपा इतनी जल्दी क्यों आ रहा है ब्रो तू। यहाँ से भाई मेरे को निकलना है, और ग्रैंडपा भी इसी गंगा में हाथ धोने आ रहा है भाई, ये इसी साइड आ रहा है। तो भाई थोड़ा सा वेट करेंगे ग्रैंडपा के जाने का, उसके बाद भाई अपना काम कर सकते हैं। ये तो जाएगा भाई नीचे, इसका तो फिक्स है भाई, इसका तो फिक्स है, ग्रैंडपा पक्का इसी साइड आ रहा होगा, ग्रैंडपा पक्का इसी साइड आ रहा होगा। यार ये अलग ही ज़िंदगी चल रही है इनकी, इनकी अलग ही झंझट ज़िंदगी चल रही है। यहाँ पर ग्रैनी भाई अगर मैं गया उस साइड, तो भाई ग्रैनी के सेंसर काम कर देते, तो कहीं से भाग के आ जाएगी और आके भाई बजा देगी। बट अगर मैं नीचे जाना चाहूँ, बट मेरे को नीचे ही जाना है, तो वहाँ पर नॉसफ्रेटो मेरा इंतज़ार कर रहा है भाई। ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है। कैसे भी मैं ऊपर पहुँच जाऊँ ना, वाइंड अप की ले आऊँ भाई, वाइंड अप की तो है मेरे पास, एक बार भाई इसका यूज़ कर लूँ ना तो भाई गन मिल सकता है मेरे को, और इसको लेके मेरे को ऊपर जाना है। उसके लिए भाई मेरे को इन्हें चकमा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आवाज़ कर ले तो भाई दोनों को एक साथ ही रखना है। ये देखो भाई ग्रैनी जा रही है बाहर की तरफ,
और इसको हमने बाहर जाने से रोक दिया है भाई साहब। नॉसफेरेटो भी आएगा और ग्रैंडपा को भी बाहर जाने देंगे भाई। नॉसफेरेटो यहीं है भाई, नीचे जाके स्टक हो गया भाई। ये क्या चल रहा है भाई, नॉसफेरेटो तेरे जिंदगी में स्टक में क्यों फंस चुका है भाई? तू स्टक में क्यों फंस चुका है यहाँ पर, तू मेरे को बता भाई, तू स्टक में क्यों फंस चुका है ब्रो ब्रो ब्रो? यहाँ पर वाइंड अप क्यों उठाएंगे और इसको ले जाएंगे हम सीधा ऊपर। अब ये ऊपर कैसे जाएगा ये मैं नहीं जानता, बट ये जाएगा ज़रूर, पूरी कोशिश करेंगे भाई, तो जाएगा ये ऊपर जाएगा। इसको ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो भाई इसको ऊपर हम ले जाएंगे इसको ऊपर। यहाँ से सबसे पहले मेरे को निकलना है और देखना भाई, ये नॉसफेरेटो नीचे ही जाएगा भाई, इसको पसंद आ गया नीचे का जगह। देखो देख रहे हो भाई ग्रैंडपा जा रहा है बाहर, और ग्रैनी का नहीं पता भाई, ग्रैनी का आता पता नहीं है भाई। ये कहाँ जाना चाहती है ग्रैनी, उसका तो कुछ आता पता नहीं है। वाइंड अप की मैं लेके ऊपर चला गया ना, तो भाई क्या पता मेरे को गन, मतलब गन तो मिलेगी उसके भाई, मैं अपना नीचे से कुछ ढूंढ भी तो सकता हूँ, बढ़िया बात हो जाएगी ना ब्रो। एक काम करते हैं भाई, ग्रैनी को ही बुला ही लेते हैं ऊपर, एक यहीं से मैं शोर करके भाई निकलने वाला हूँ। तो भाई दोनों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नॉसफेरेटो तो आ गया भाई, ग्रैनी कितनी दूर है भाई, अभी तक नहीं पहुँची। हेलो ग्रैनी, आओ ब्रो आओ आओ ग्रैनी। वैसे तो बड़ी भागते भागते आती है, तू आ क्यों नहीं रही ग्रैनी? आ गई ग्रैनी आ चुकी है। और इन दोनों को एक साथ जाने देंगे, उसके बाद भाई मैं इस चाबी को लेकर ऊपर जाऊंगा, यहीं शोर करूंगा भाई, उसके बाद मैं इस चाबी को उठाऊंगा और यहां से निकलूंगा भाई। देखते हैं भाई, ग्रैनी जा नहीं रही, मतलब फेंक के बुलाना पड़ेगा क्या भाई? तू क्या कर लेगा, तू मेरा बता, क्या उखाड़ लेगा तू, कुछ उखाड़ लेगा मेरा, उखाड़ लेगा तू? भागो भाई भागो, दोनों यहाँ से निकलो भाई जल्दी से। यहाँ पर भाई ग्रैनी जा चुकी है, ग्रैनी भाई थोड़ी समझदार से लगते हैं मेरे को कभी कभी, है नॉसफेरेटो में स्टक में फंस जाता भाई, स्टक में फंस जाता भाई। तू नीचे जाके स्टक हो, यहाँ पर दिमाग खराब मत करने का कोई वो नहीं है तेरा, निकल यहाँ से जल्दी से यार। ये दिक्कत है ना, जो वो दिक्कत मेरे को नहीं चाहिए। और देखो भाई ये यहाँ पर फिर से थोड़ा सा देर कर लिया, यहाँ पर भाई ग्रैनी मैं शोर करूँगा, तो भाई ग्रैनी पहले आ जाएगी और ये देर में आ जाएगा, तो फिर मैं नहीं जा सकता ना भाई, नहीं जा सकता। एक काम कर सकते हैं ब्रो, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे को ओ ओ ओ, ओ, ओ क्या करे भाई, शोर कर दे ब्रो, बताओ भाई जल्दी बताओ। यहाँ से मेरे को शोर करना है और यहाँ आके भाई छुप जाना है, इसके पीछे छुपना है। और यहाँ पर भाई नॉसफेरेटो आ चुका है, ग्रैनी प्लीज़ भाई जल्दी आ जा। और जल्दी आ चुकी ग्रैनी, और यहाँ से भाई मैं क्या निकल सकता हूँ भाई, निकल तो चुका हूँ, सामने से बुढ़ा सरप्राइज़ ना दे दे, मेरे को इस चाबी को लेकर ऊपर जाना है, जो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बुढ़ा सरप्राइज़ ना दे दे तो भाई बढ़िया हो जाएगा। ओ भाई बुढ़े ने सरप्राइज़ नहीं दिया, गेट भी बंद कर दिया मैंने। अब बताता हूँ भाई अब मेरे को भाई चाबी मिल चुका है, जिससे भाई मेरे को मिलेगा गन, और भाई इसका स्टक साला तोड़ता हूँ मैं। अभी बताता हूँ भाई, तेरे बहुत स्टक आ रहे हैं तेरे ज़िंदगी में भाई, तेरी ज़िंदगी स्टक हो रखी है नॉसफेरेटो, क्या करूँ बता क्या करूँ तेरे भाई साहब? नहीं स्लेंडरी ना, नहीं भाई, ये सीधा आके ना मुँह पे चिल्लाती है भाई और डरा वरा के भाई दिमाग ख़राब कर देती है। काम करते भाई, इसे फेंकते हैं यहाँ पर, इससे भाई आवाज़ नहीं होगा। और यहाँ से गाइस मेरे को गन मिल चुका है, और अब भाई नीचे गन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करते भाई, जल्दी से इसे तोड़ने की कोशिश करते, खोलते बताओ। और यहाँ से एक गोली शूट कर दिया मैंने, दो गोली खुद शूट कर दिया भाई, थोड़ा सा निकला है। और यहाँ पर आवाज़ भी हो चुका है, मतलब दोनों ऊपर आ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आवाज़ भी कर देता हूँ भाई, देखते कितने सेकंड के लिए बेहोश होंगे। यहाँ पर भाई एक्सट्रीम मोड में 30 सेकंड के लिए बेहोश होते थे, इसमें देखते भाई कितने सेकंड के लिए बेहोश होंगे। यहाँ पर नॉसफेरेटो आ चुका है, ग्रैनी आ चुकी है, तू जा और तू भी जा भाई। 15 सेकंड का भाई टाइम है बस भाई, एक गोली तो शूट करके आऊँगा ही। और यहाँ पर भाई एक गोली तो शूट करके आऊँगा, एक गोली दोनों मार के आऊँगा। और भाई कभी भी होश में आ सकता भाई। ओ भाई क्या टाइमिंग थी भाई बचने की। ओ भाई कोई दिक्कत नहीं बेटे, तू जा इधर से। और इधर से भाई सब ग्रैनी भी कभी भी आ सकती है। यहाँ से भाई चाबी दिख रहा है और वो बेसमेंट की है भाई, वो बेसमेंट की है यार, क्या बोलूँ भाई सब, क्या ही बोलूँ। यहाँ पर भाई साहब नॉसफेरेटो जिंदा होगा। यहाँ पर ग्रैनी को बुला भाई, ग्रैनी को बुला, जल्दी बुला ग्रैनी को। आ गए क्या दोनों? बढ़िया है भाई, तो फिर एक तूखा और एक तूखा। और यहाँ पर फेंको जल्दी से, और यहाँ से भाई बेसमेंट की लो, और यहाँ से भाई जल्दी से लो बेसमेंट की।
और यहाँ से भाई जल्दी से होके हुए निकलो निकलो भाई, नीचे निकलो यहाँ से जल्दी से। यहाँ भाई बेसमेंट की लेके मैं जल्दी से नीचे निकलने वाला हूँ। ऊपर नॉस्फेराट को जिंदा हो चुका है और ये पता नहीं मेरे को छोड़ेगा कि नहीं, ये छोड़ेगा कि नहीं, यहाँ छोड़ेगा छोड़ेगा छोड़ेगा। बच गया भाई, बच गया, कसम से बता रहा हूँ, बच ही गया बस मैं। यहाँ पर भाई जल्दी से लेते हैं इस डायमंड को, नीचे चलते हैं भाई जल्दी से, क्योंकि भाई साहब नीचे स्टक हो जाता भाई अपना नॉस्फेराटो। और अंकल जी ना हो भाई, बुढ़े जी अंकल जी ना हो अपने। यहाँ से भाई मैं आ चुका हूँ नीचे और जल्दी से भाई जल्दी से लेके चलते इसे। और यहाँ से भाई बेसमेंट की भी लेने, और यहाँ पर हैंडल चाहिए जिससे भाई मैं स्केप कर जाऊँगा। यहाँ से भाई मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा, यहाँ पर बैठता हूँ। सिलेंडरा हो सिलेंडरा, तू क्यों दिमाग ख़राब कर रही है भाई? वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा, मुझे पूरा पता है भाई, क्योंकि स्टक में फंसा हुआ है ना वो। तो भाई मेरे को पीछे से ना देख ले, पीछे से ना देख ले। वो भाई बढ़िया हो गया, यहाँ से भाई जल्दी से ले चलते इस बेसमेंट की को, और इसको भी भाई नीचे रख देते, नीचे अगर मार दे तो भाई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर भाई शोर भी हो चुकी है, तो भाई ये ऐसा यहीं आएगा, मतलब भाई वो नीचे आने वाला है, वो पूरा कन्फर्म है भाई, मुझे वो नीचे आने ही वाला है, जो कि भाई बड़ी दिक्कत की बात है भाई। नीचे आ गया तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी ना। यहाँ से गाई सबसे पहले मैं इस चाबी को यहाँ फेंक दूंगा, जिससे भाई आवाज़ नहीं होगा। और अब मेरे को भाई एक चीज़ चाहिए, जो कि भाई हैंडल है। एक काम करते हो भाई, यहाँ चलते हैं, यहाँ से भाई सब इसको खोलते हैं, इसको खोलते हैं, यहाँ फेंक देते हैं और भाई इसको खोल के छुप जाते हैं। जैसे भाई ये जाएंगे ना दोनों, उसके बाद भाई मैं ये पीछे से होकर निकल जाऊँगा और फिर भाई हैंडल ढूंढ के सीधा अंदर आऊँगा। यहाँ पर देखते हैं भाई, दोनों एक साथ तो आएंगे। और भाई आओ आओ भाई आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आ, क्यों नहीं रहे भाई ये दोनों? हेलो हेलो ब्रो, हेलो, तुम्हें सुनाई उनाई देना बंद बंद हो गया है क्या भाई? ये क्या करना चाहते हो भाई, समझ नहीं आ रहा। मैंने क्या ट्रिक लगाया था, बट ये ट्रिक कोई काम का तो नहीं है भाई। मेरी एक भी लाइफ नहीं गई, मतलब मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ भाई, फ़ायदा उठा सकता हूँ मैं। चलते हैं भाई जल्दी से ऊपर, भाई आए नहीं तो अब रिस्क ले ही ले भाई। एक हैंडल चाहिए, जो कि भाई मेरे को पता है यहाँ मिल सकता है, क्योंकि भाई मैंने स्केप पहले भी कर लिया है, मतलब ये वाला टाइप्स का स्केप मैंने पहले भी कर लिया है। और भाई कोई नहीं है भाई यहाँ पर इस टाइम। और यहाँ पर भाई चाबी नहीं चाहिए मेरे को, चाबी, अब चाबी तो नहीं चाहिए भाई। जल्दी से बच जाऊँगा तो भाई काम हो जाएगा, वो बच चुका हूँ भाई मैं जल्दी से। अब मेरे को हैंडल मिल सकता है यहाँ से, यहाँ से भाई मेरे को हैंडल मिलेगा और अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता भाई इस्केप करने से। और नीचे कोई ना जाए तो मैं कर लूँगा इस्केप। फाइनली भाई आपके भाई ने स्केप कर लिया। गेट वेट बंद करो ना बंद करो, कोई मतलब ही नहीं भाई, कोई मतलब ही नहीं है भाई। जल्दी से चलते हैं ज़मीन के अंदर, मतलब भाई बेसमेंट में, और यहाँ से लगाएंगे हम हैंडल और कर देंगे भाई बेसमेंट स्केप। तो भाई बेसमेंट स्केप तो कर दिया तुम्हारे भाई ने, मतलब अभी कर ही दूंगा। बट भाई अगर आपको कार स्केप भी चाहिए तो भाई प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। यहाँ पर भाई मैं जल्दी से लगा देता हूँ इस हैंडल को और जल्दी से कर देते हैं स्केप। तो फाइनली भाई हमारा हो चुका है इम्पॉसिबल मोड में स्केप, वो भी भाई बेसमेंट का। और अगर आपको भाई कार स्केप चाहिए इम्पॉसिबल मोड में तो भाई कमेंट में ज़रूर करना, कमेंट में मतलब लिख देना भाई कार स्केप इम्पॉसिबल मोड। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद है प्लीज़ गाइस वीडियो को एक लाइक करें। और गाइस चैनल पर न्यू हो तो भाई प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले भाई। तो गाइस आज के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।